हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे हेम विधु मुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भवसागर पारम। अर्थात हे माँ गंगा, आप श्री हरि के चरणों से प्रकट हुई हो, पर्वत चंद्रमा एवं मोती जैसी सफेद आपकी लहरें हैं। हे माँ, मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों के भार को दूर कीजिए और इस संसार रूपी समुद्र को पार कराने की कृपा कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, संपूर्ण सौर मंडल के समस्त ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से तीन अनिवार्य घटकों के कारण संभव है, भौतिक पदार्थ, ऊर्जा और जल। खुशकिस्मती से जीवन के निर्माण हेतु आवश्यक समस्त भौतिक तत्व और जल पृथ्वी पर प्रारंभ से ही मौजूद हैं, तथा ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल उचित दूरी पर स्थित है, न बहुत दूर न बहुत पास, और यही वजह है कि सौर ऊर्जा यहाँ जीवन के लिए अनुकूल मात्रा में पहुंचती है। यदि पृथ्वी सूर्य के निकट होती तो अत्यधिक ऊर्जा जीवन निर्माण की संभावना को खत्म कर देती। इसी प्रकार जल पृथ्वी के 70% भाग का निर्माण करता है, और आश्चर्यजनक रूप से मानव शरीर का 70% अंश भी जल से ही बना हुआ है, तथा पृथ्वी पर अधिकांश मानव सभ्यता का विकास भी जल स्रोत के आसपास ही हुआ है। 70% भूभाग पर जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% अंश खारा है, तथा मनुष्य के लिए अनुपयोगी है। मात्र 3% अंश ही स्वच्छ और मनुष्य के लिए उपयोगी है। इस 3% में से भी अधिकांश जल ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है, जिसका सीधा उपयोग मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का 0.01% अंश ही झीलों, तालाबों, नदियों एवं झरनों आदि में मौजूद है, जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा पीने, सिंचाई, उद्योग आदि के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी पर पानी कितना सीमित है, और यदि हमने इसके संतुलित उपयोग और स्वच्छ रखने की दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाए तो पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। नदियां स्वच्छ जल का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और भारत में सभ्यता का विकास यहाँ की विभिन्न नदी प्रणालियों की मौजूदगी से ही संभव हो सका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा तक विभिन्न नदी प्रणालियों जैसे सिंधु, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र आदि की मौजूदगी के कारण ही मानव सभ्यता फल फूल रही है। इन सब नदियों में सबसे बड़ी है गंगा, जो उत्तराखंड के हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर पद्मा बनती है, जो कि अंत में गंगा सागर में जाकर लिप्त हो जाती है। न जाने कितने गलों की प्यास बुझाती हुई, न जाने कितने खेतों को सींचती हुई, न जाने कितने उद्योगों को चलाती हुई, न जाने कितने भूमिगत जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करती हुई, न जाने कितनी सभ्यताओं को जीवन प्रदान करती हुई, और स्वयं में भी एक जटिल पारिस्थितिकीय प्रणाली का समावेश किए हुए, न जाने कितनी प्रजातियों को घर उपलब्ध कराती हुई स्वर्ग तुल्य माँ गंगा उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से शुरू होती है। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। भागीरथी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से शुरू होती है।
अलकनंदा बद्रीनाथ से शुरू होती है तथा मंदाकिनी केदारनाथ से प्रारंभ होती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल होने के कारण उत्तराखंड का विशेष महत्व है। यहाँ पर देवताओं का निवास स्थान भी है, जिस कारण उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। गंगा के साथ ही यमुना नदी का उद्गम स्थल भी यहीं पर है और गंगा यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां भी यहीं पर बहती हैं। दुर्भाग्यवश मानव जाति को राहत देने वाली गंगा नदी आज खुद एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है और इसके लिए हम सब मानव और हमारी लापरवाही जिम्मेदार है। पूजा सामग्री हो गई या मूर्तियां हो गई और इसके अंदर डाल देते हैं। हमारे यहाँ जो हरिद्वार स्नान करने के लिए टूरिस्ट आता है, कोई दिल्ली से आए, चाहे वो बंगाल से आए, चाहे वो हरियाणा से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर गंगा किनारे भंडारा करते हैं। भंडारे के लिए 3 लाख या 4 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन गंगा की सफाई के लिए या उन पतलों के लिए 500 या 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। भंडारा करेंगे लेकिन गंगा में जो है सारी पतले उड़ती है हवा के अंदर। कभी कोई संस्था आती है साफ़ करती है, कोई बाबा के आदमी आ रहे हैं कोई साफ़ कर रहे हैं, कोई कॉलेज के बच्चे हैं वो भी सफाई करते हैं, नगर निगम वाले भी सफाई करते हैं। लेकिन इसके लिए हम आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। हम अगर गंदगी ना डालें गंगा जी में तो इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। इस विकराल संकट का कारण और उसका निवारण समझने से पहले हमें जीवन के पनपने और उसके विकास के सिद्धांत को समझना होगा। जीवन के पनपने और उसके विकास के लिए अनुकूल वातावरण तभी पैदा हो सकता है जब जीव एवं निर्जीवंश अपने पर्यावरण के साथ परस्पर संबंध एवं सामंजस्य स्थापित करें। यदि सजीव प्राणियों व निर्जीव अंश के पर्यावरण के साथ इस सामंजस्य को किसी भी तरीके से छेड़ा जाए तो इसका प्रभाव पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं पर पड़ना तय है और मनुष्य आज यही कर रहा है, जो कि एक विकराल समस्या का रूप धारण कर चुका है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से मुख्यतः जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और उससे पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम अंततः उसे ही भुगतना होगा। असंख्य प्रकार से प्रदूषण और पानी की अधिक निकासी से गंगा एक बीमारी के कगार पर आ पहुंची है। कुछ लोग अज्ञानता के कारण तो कुछ आलस्य और आदत के फलस्वरूप तो कुछ लोग प्रमाद और क्षणिक स्वार्थ की वजह से गंगा को गंदा करते हैं। हम लोग इसमें प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि सब डालते हैं। कई जगह तो गंदे नाले भी गंगा में सीधे जा रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो सीवेज आ रहे हैं, ये ऊपर पहाड़ों का, नालों का गंदा पानी, ये सारा गंगा जी में आता है। लोग आते हैं अपने पितरों का दान वगैरह कुछ भी करते हैं, उसमें इंसान क्या करता है, अपने वस्त्र वगैरह जो भी कपड़े हैं, चप्पल है, जूते हैं, वो यहीं घाटों पे छोड़ के चले जाते हैं। उसे ले जाते हैं कोई लोग उठा के जिन्हें यूज होता है, जो नहीं यूज होता वो सारा गंगा जी में जाता है। जगह जगह लोग इसमें स्नान करते हैं और स्नान करते हुए साबुन शैंपू का भी उपयोग करते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट अर्थात उद्योगों से निकला दूषित कचरा भी डाला जा रहा है। धार्मिक कुरीतियां भी गंगा में होने वाले प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। फूल पत्तियां और पूजा के समय काम में लाई गई सामग्री भी हम लोग गंगा में ही बहा देते हैं और घाट पर हम लोग गंदे बर्तन एवं कपड़े भी धोते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग गंगा के आसपास खुले में शौच करते हैं, जिसके कारण उसकी सारी गंदगी भी वर्षा जल के साथ गंगा नदी में आ जाती है। हम ठोस कूड़े कचरे को खुले में फेंकते हैं, जिस कारण ठोस कचरा भी सीधे गंगा नदी में बहकर आ जाता है। इसी प्रकार दाह संस्कार के बाद अधजले शव, लावारिस मनुष्य तथा जानवरों के शव भी कई बार गंगा में बहा दिए जाते हैं। किसी भी नदी के प्रदूषित होने से उसके निचले हिस्से में जितने भी लोग रहते हैं उन सब में बीमारियां होती हैं, जो कई बार महामारी का रूप भी धारण कर लेती हैं। गंगा नदी हमारी जीवन रेखा है, हमें जन्म से लेकर मृत्यु समय तक स्वच्छ पानी प्रदान करती है। इसको हम माँ गंगा बोलते हैं और माँ को गंदा करने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। गंगा नदी भारत की ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह हमारे देश की आर्थिकी, धर्म संस्कृति तथा पर्यावरण में भी अपना अतुलनीय योगदान रखती है।
इस पवित्र नदी में लोग स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों तथा ईश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सभी का उद्धार करती है और लोगों के बिगड़े हुए काम बनाती है। जो नदी हमें पवित्र करती है, आज वही नदी हम सबको पुकार पुकार कर स्वयं को बचाने की गुजारिश कर रही है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जीवनदायिनी पवित्र जीवंत मां स्वरूप गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। जिस गंगा में स्नान करके हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, हम सब उसी को गंदा कर रहे हैं। जरा सोचिए, यह कैसा कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार है। क्या इस जीवनदायिनी का जीवन समाप्त हो जाने से हमारी मानव सभ्यता जीवित रह पाएगी? विभिन्न स्तर पर विचार विमर्श होने के कारण आज इस दिशा में सार्थक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार और बुद्धिजीवी नागरिक समाज शामिल हैं। यहाँ पर क्लीन गंगा मिशन नाम से एक स्टेप लिया गया है और दूसरा है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी और हाल ही में नमामि गंगे। इसके साथ ही सफाई, नदी के कायाकल्प, घाटों के विकास और नदी मोर्चों के सौंदर्यकरण की महत्वपूर्ण योजनाएं भी चल रही हैं। लेकिन इन सभी उपायों से जब तक नागरिक नहीं जुड़ेंगे, तब तक इसको सफल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सामुदायिक सहयोग से ही दुनिया भर में नदियों की सफाई में सफलता प्राप्त हुई है। चाहे हम राइन नदी का उदाहरण लें या थेम्स नदी का, करोड़ों हाथों के द्वारा नदियों का प्रदूषण ना करने का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे गंदगी करते हुए देखा जिसे कहा भी नहीं जा सकता और मुझे कहते हुए शर्म भी आती है कि जो लोग श्रद्धा करने में विश्वास रखते हैं और गंगा जल को ले जा कर के शिव लिंग पर डालते हैं, वही गंगा को इस तरह से प्रदूषण कर रहे हैं जिसके ब्याह नहीं है। लोग यहाँ लेटरिंग करते हैं, तमाम पत्तल कूड़े और यहाँ तक कि ड्रिंक की बोतलें भी गंगा जी में फेंक देते हैं। मना करने पर वो लोग झगड़ा करते हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी उनसे त्रस्त आ चुकी है। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो हमारे गलत कदम आने वाली पीढ़ी से जीवन के तीन अनिवार्य घटकों में से एक जल को पूरी तरह छीन लेंगे। जरा विचारिए, स्वार्थ, आलस्य, प्रमाद और लापरवाही के चलते क्या आप अपने बच्चों को उपहार स्वरूप जीवनदायिनी गंगा के स्थान पर बीमारी फैलाने वाली गंगा देकर जाना चाहते हैं? गंगा हमारी संस्कृति है, हमारी भावनाओं का एक पवित्र प्रतीक है। '85 में राजीव जी की पहल पर, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ, जिसका मकसद था कि गंगा नदी में जो प्रदूषण की मात्रा है उसको नियंत्रित किया जाए। इसीलिए सीवरेज योजना बनानी प्रारंभ हुई और उत्तराखंड में भी गंगा नदी के किनारे उत्तरकाशी, श्रीनगर, स्वर्गाश्रम, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि स्थानों पर करीब 77 MLD की क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किए जा चुके हैं। गंगोत्री, तपोवन और देवप्रयाग में ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बहुत आवश्यक है कि इन स्थानों के साथ साथ बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, मुनि की रेती और गंगा की सहायक नदियों में भी, जिनमें काशीपुर आदि स्थानों पर भी इस तरीके के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, स्थापित किए जाएं।
और इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि सॉलिड वेस्ट प्रबंधन और बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स के निर्माण की गति भी तेज की जाए। हमने जो हमारा प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप है, हमने कार्यदायी संस्थाओं के जरिए DPR तैयार करवा ली हैं और भारत सरकार को सभी DPR प्रस्तुत की जा चुकी है। मेरे स्तर पर भी, मेरे और भारत सरकार के मंत्री के स्तर पर भी हम 3-4 बैठकें कर चुके हैं कि यदि केंद्र सरकार मदद करे तो हम मुनि की रेती से ऋषिकेश तक की जो लिक्विड वेस्ट है वो सब को भी, ट्रीटेड वाटर को भी हम नहर के जरिए बाहर निकालेंगे और उसको मिट्टी के जरिए ट्रीट करवा करके तब गंगा में डालेंगे। और वही टेक्निक हम हरिद्वार में भी अपनाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए भी हमने कार्य योजना बना करके तैयार रखी हुई है और हमको भारत सरकार की हरी झंडी की आवश्यकता है। मैं अपने राज्यवासियों से निरंतर प्रार्थना भी कर रहा हूँ और हमारे लोगों में इस विषय में जागृति भी है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि गंगा की सफाई का ध्यान रखें, हमारी नदियाँ प्रदूषण मुक्त हों, स्वच्छ रहें, ये हम सबका सामूहिक ध्येय होना चाहिए और हम इसी ध्येय को उत्तराखंड राज्य में आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारे गंगा केंद्रित त्योहार भी हैं जैसे कि कुंभ और बहुत से स्नान जिनका हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। हमारे बीच ईश्वरीय उपस्थिति की याद दिलाती है गंगा। श्री भागीरथ एक सोच के साथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे और वो था जनमानस का कल्याण। आइए हम सब मिलकर फिर से भागीरथ की सोच से सोचें और गंगा को पवित्र करके फिर से उसको उसी पहले जैसी स्थिति में लाएं जिससे कि मानवता का फिर से उद्धार हो सके। भागीरथी सुखदायिनी मातस्त्व जल महिमा निगमे ख्यात है, ना हम जाने तव महिमानम पाहि कृपा मई माम ज्ञानम। अर्थात हे माँ भागीरथी, आप सभी को सुख देती हैं और आपके जल की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। मैं आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानता हूँ, परंतु मेरी अज्ञानता के बावजूद हे कृपालु माँ मेरी रक्षा कीजिए।